हेलो भाई, सलाम। और ये क्या होना है? गुच्ची जो कि अभी तक हाँ ये ना आएगा। अब खाना खाया इसने है ना? तुम्हें क्या लगता है? हाँ झूठ बोल रहा है ये। हाँ खाना वाला यहाँ पे दोपहर के रेडी हो चुका है, तो यहाँ पे मम्मा ने बनाए पकौड़े, साथ में सीख कबाब, साथ में चावल और साथ में कढ़ी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नाइन? आप ठीक हो? तबीयत सही होगी तुम्हारी? चलो अच्छा है, तुम्हारी तबीयत ख़राब थी ना? इंशाल्लाह हो जाएगी। और बस अब हम नीचे जा रहे हैं, आना है। और तुम नीचे जा रही हो ना के सुकून मिल रहा है। चलो जी, तो गाइस देखिए मेरी ब्लैक ही है। ब्लैक ही वो टेन टेन बनी थी ना सुबह। लेडीज आगे जा रही है, तो गाइस मैं ना जैन की चप्पल पहन रही हूं। लेडी गागा का गाना गा रही थी। एमएल की चप्पल थी अपनी, तुम्हारे हाथ के। चलो तो गाइस ये मेरे दोस्त की डक है, ये बेबी डक। डक लेने डक गिव मी गिव नो 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 अभी मैंने अच्छी है डक बेबी। ये लिली है, लिली ये फीमेल है। मेरे को आना है, फीमेल काटती देंगे। मैं मुझे समझ नहीं आ रहा कब से कि कौन सी जोई के इंतजार कर रही है। जोई बाहर है सामान लेके, और यहाँ पे जोई आ गई है सामान लेके। अनाया भी साथ आ गई है, मैं भी इसके साथ आ गया हूँ। उनके सामान दादा था मार्केट से आया। थैंक यू बोलो जोई को। और तुमने स्पीकर्स भी ले लिए, आज रात का है, आज रात हमें देखना है। बस पिज़्ज़ा सॉस वाली। अच्छा वो खाएंगी आप? और तबीयत आज फिर ख़राब है? तबीयत को ठीक करो ना यार, अभी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, शुक्र है खुदा का। तो आज जो है काफ़ी बिजी था दिन सुबह से, क्योंकि आज सारे बिल्स वगैरह और जितनी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो सबसे पहले हम पे ऑफ कर देते हैं, क्योंकि सेकंड फेज़ के अंदर फिर बाकी चीज़ों को हम करते हैं। फर्स्ट फेज़ के अंदर हमारी कोशिश ये होती है कि जो मेजॉरिटी हम पे लाइबिलिटीज़ होती हैं, जैसे बिल्स होते हैं, जैसे आपके जो चीज़ें आपको पे ऑफ करनी होती हैं, वो सारी चीज़ें आप पे ऑफ कर दें, ताकि आपके ऊपर ये वाला कोई बर्डन ना रहे। तो बस आज सारा दिन उसमें ही गुजरा, प्लस इतना काम होता है कि बंदा ना एग्जॉस्ट होके रह जाता है और काम नहीं ख़त्म होता। और ऊपर से अनाया की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि अनाया को किसी अच्छे फिजिशियन को दिखाऊँगी मैं कुछ दिनों के अंदर। अगर इसकी तबीयत सही हो जाती मेडिसिन से फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको फिर मैं किसी डॉक्टर को दिखाऊँगी। तो बस अभी कुछ सामान मैंने मंगवा लिया है, बाकी जो मेजर ग्रॉसरी है वो मैं 7-8 दिन में दोबारा कर लूँगी, लेकिन ये है कि अभी जितनी चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी वो मैंने जोहेब से मंगवा लिए हैं। तो जोहेब गया होता 4 बजे से और अभी आया है 8 बज रहे हैं, कुछ खाया भी नहीं उसने आज। और आज मैंने कढ़ी कबाब और राइस बनाए थे, तो बस अब रात का डिनर तैयार करते हैं। और जैन जा रहा है मेडिसिन लेने, क्योंकि मेडिसिन हो गई हैं ख़त्म। तो जैन एक चीज़ मैं कहना कि बाल बड़े नहीं हो रहे हैं? बाल अच्छे लग रहे हैं, लंबे बाल सही है में आप? मुझे तो सही लग रहे हैं, सूट कर रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा लंबे नहीं, क्योंकि वो फिर आपको रखने ज़रा सा मुश्किल हो जाते हैं। तो मेडिसिन ले आओ, मैं लिख देती हूँ, वो सारी मेडिसिन ले आओ, ठीक है? तो अनाया यहाँ के शॉप है आपकी क्या, इतनी सारी चीज़ों की? अच्छा इतनी सारी चीज़ें हैं आपकी, और ये मार्कर्स आप सीधे करके रखें, वरना ये ना यहाँ पे इसका रंग लग जाएगा सारा, इसका कलर निकलाएगा।
इसको इसके बॉक्स में रखो, पता है आपको क्या पता है आपको? पता है, अभी मैं दुकान लगा रहा हूँ। तो बस आ गई हूँ मैं दोबारा से किचन में, किचन से निकलती हूँ और दोबारा किचन में। तो यहाँ पे मैंने चिकन निकाल के रखी हुई है क्योंकि उसको डिफ्रॉस्ट किया हुआ है, साथ कुछ दालें वगैरह ख़त्म हुई हुई थी और कुछ चीज़ें ख़त्म हुई थी तो वो भी मैंने मंगवा ली हैं, तो उनको भी रिफ़िल करते हैं। यहाँ पे चिकन के फिलेस हैं, इनको मैं कट करूँगी और इनको मैं रखती हूँ पैन के अंदर ताकि इनकी मैं चिकन मैं बेसिकली अलग बनाती हूँ, वेजीज में अलग बनाती हूँ, मैक्रोनी अलग बनाती हूँ और सॉस अलग बनाती हूँ। तो ये कुछ चीज़ें मेरे पास ख़त्म हुई हुई थी तो मैंने कहा इनको रिफ़िल कर लूँ, कोका पाउडर वगैरह केक्स वगैरह बनते हैं, दालें कुछ ख़त्म हुई हुई थी तो वो भी मंगा ली हैं, और बाकी जामे शीरी कभी बच्चों का दिल चाहता है तो उसको दूध के साथ तो बलंगे में यूज़ करते हैं और वैसे भी अच्छा है, जामे शीरी पीना चाहिए। हमें तो सबसे इतने काम होते हैं घर के अंदर, समझ में नहीं आता इन औरतों के पास इतना दिमाग कैसे आता है, इतनी पॉलिटिक्स करती हैं। मैं देखती हूँ समटाइम्स कभी मौका मिलता है तो बे इंतहा वीडियोज़ होती हैं, इतनी पॉलिटिक्स और इतना जो है कह सकते हैं इसके अंदर गंदगी, और पता नहीं इतना टाइम कैसे मिल जाता है, कैसे अपने ग्राम के अंदर बैठते हुए इस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, उनके आगे पीछे कोई भी नहीं है कि इस तरह की वीडियोस अपलोड होती हैं, सारा दिन रिएक्शन वीडियोस आप देखें तो सुनने वाले तो सुनते होंगे जहाँ ये रिकॉर्ड होती होगी। तो खैर लोग सुनते भी हैं, व्यूज़ भी अच्छे आते हैं क्योंकि लोग पसंद करते हैं आई थिंक। ऑलरेडी यहाँ पे मम्मा ने क्या मैक्रोनी बना ली है और मम्मा बना रही है वाइट सॉस वाली मैक्रोनी। ये वाली कौन सी मम्मा? स्पाइसी वाली रेड सॉस। ये रेड सॉस स्पाइसी वाली नहीं, स्पाइसी नहीं है, रेड सॉस है सर, रेड सॉस है। हाँ बेसिकली पास्ता ही हुआ है ये। क्या मैदा डाला है और साथ में बटर और ये क्या ऑयल भी डालता है? बटर है। हाँ बटर के साथ ही होता है। ना तो खाना वाना यहाँ पे डाल कर रेडी हो चुका है, तो यहाँ पे रेड और वाइट सॉस पास्ता यहाँ पे बन गया है और साथ में हम लोग पाजुला पी रहे हैं। और यहाँ रात के कोई देर बज रहे हैं, अनाया को मैंने डिटा दिया है, उसको मेडिसिन दी है, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और अब बस यही है कि इसको किसी डॉक्टर को दिखाऊंगी। असल में हालात कुछ इस तरह के चल रहे हैं कि
सिटी तक जाना ज़रा सा डिफरेंट है, वरना मैं इसको आग खान लेके जाना चाह रही थी क्योंकि वहाँ पे पीट्स के काफ़ी कंसल्टेंट्स होते हैं जो बैठे होते हैं। तो लेट्स सी, देखें मैं किसी का अपॉइंटमेंट पकड़ती हूँ और उसको लेके जाती हूँ जल्द से जल्द। और मैं भी बहुत थक गई हूँ क्योंकि बहुत लंबा दिन होता है और बेइंतहा काम होते हैं करने को, तो इंसान कुछ भी ना करे कोई कुछ आपसे नहीं कहेगा, लेकिन जब आप ज़िम्मेदारी लेते हैं तो आपको ज़िम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं और नो मैटर कितना थक जाएं आप रुक नहीं सकते। तो आज सारे बिल्स वगैरह भी ऑनलाइन सारी पेमेंट्स वगैरह करनी थी, वो सुबह से जो है बैठ के सारे मामला अल्हम्दुलिल्लाह निपटा दिए ताकि आपके ऊपर पूरा मंथ कोई बर्डन ना हो। स्पेशली जो देने वाली चीज़ें होती हैं वो फ़ौरन टाइम पे ही पे हो जाएं, बाकी चीज़ें तो चलती रहती हैं लेकिन टाइमली ये सारी चीज़ें जो है पे कर देनी चाहिए क्योंकि इनको जमा करने से जो है आपके लिए प्रॉब्लम होता है। और टैक्सेस की भरमार है हर बिल के अंदर, यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो टू मच आए हैं जो अप्रॉक्स हमारे बिल्स आते हैं उनके हिसाब से, लेकिन क्या करें जी, पूरी दुनिया में ही लिविंग कॉस्ट हाई हो गई है। आप किस किस से लड़ें, किस किस से झगड़ें और किस किस से जाकर चीज़ों को सही करवाने की कोशिश करें, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के लिए आपको जाना पड़ता है और बात करनी पड़ती है और इट विल टेक लॉन्ग टाइम। इसके अंदर आपकी अपनी डेट निकल जाए जो ड्यू डेट है तो उसके बाद मज़ीद आपको पैसे देने पड़ते आते हैं। तो आई थिंक लायबिलिटीज़ को जितनी जल्दी निपटा दिया जाए वो ज़्यादा बेटर होता है। अपने ब्लॉग को भी मैं यहीं एंड करूँगी, बहुत थकान हो गई है। सुना है कराची में कोई ब्लास्ट हुआ है, अभी तक मैं न्यूज़ नहीं देख पाई हूँ लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि कोई ब्लास्ट हुआ है जो आई थिंक किसी टैंकर वगैरह के अंदर हुआ है, ऑयल टैंकर के अंदर, लेकिन उसके अंदर काफ़ी कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, जहाँ रहें महफूज रहें। इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में जल्द मिलेंगे, जब तक अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।